देखिए रीजंस बताए गए हैं जिसके अंदर फर्स्ट यहाँ पे बताया जो एग्रीकल्चर है इनसफिशेंटली डेवलपमेंट फील्ड बाय टू द एग्रीकल्चर इनसफिशेंटली, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो हमारा कृषि है उसमें विकास मतलब अपर्याप्त सिंचाई जैसे सुविधा है उसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो क्या पूरी तरीके से उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। अब अल्टरनेटिव अनएम्प्लॉयमेंट अ पार्ट फॉर अ फार्मिंग, तो जिनके अंदर क्या रोजगार के अवसर का अभाव हमें देखने को मिलता है। तो रोजगारी में आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल मतलब कि एजुकेशन स्किल्स ट्रेनिंग एरियाज एक्सेट्रा, ओके। अब यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर बताया गया है दो मतलब सिस्टम ऑफ ऑर्थोडॉक्स मतलब जो ट्रेडिशनल बाय टू द कस्टम मतलब जो ऑर्थोडॉक्स वाली जो थिंकिंग है उनके पुराने रीति रिवाज वगैरह जो भी है तो उनको उनका कारण मतलब कर्जदार बना देते हैं, है ना, कि ये पीढ़ी में चलता आ रहा है तो हमें यही करना पड़ेगा। तो उनके क्या हो जाते हैं जो मतलब एक्सपेंडिचर उनका जो खर्चा है उसमें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अनप्रोडक्टिविटीज़ जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे इंजीड बाय टू द इंजीड के मतलब क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से शोषण रूप से भी मतलब सरकारी जानकारी मतलब अभाव हमें देखने को मिलता है। तो उनको वो पूरी तरीके से मतलब विक्टम्स वो पूरी तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ की जो कंडीशंस है कंडीशंस वगैरह इकोनॉमिकल वेलफेयर बाय टू द सोसाइटी ड्यू टू द इकोनॉमिकल पॉलिसीज़, तो उसके अंदर इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ भी निकाली जाती है। एंड प्रोडक्शन इनकरेज द प्रोडक्शन बाय अ क्रॉप्स वाज अ रिड्यूसिंग, तो क्या हो जाता है जो क्रॉप्स वगैरह है तो वो भी रिड्यूस मतलब कम हो जाती है, जिसके अंदर अनाज दलहन है ना, तो ये सारी चीज़ें भी कम देखने को मिलती है। बिकॉज आर अ इकोनॉमिकल रूरल इकोनॉमिक, ठीक है, ये स्मॉल स्केलर चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमें लोएस्ट पॉइंट पे देखने को मिलती है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो कम होता जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि गरीबी में रोग मतलब शिकार होते जा रहे हैं, उनके खर्चों में मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, जो दवा मेडिसिन वगैरह जितना है वो क्या होता है बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशनल बिजनेस एंड मतलब इंडस्ट्रियल पे आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो रहा है, तो जिसके अंदर क्या हो जाता है कि कुछ चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाए हो रही है, बाज़ार धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आप देख सकते हो कि इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशंस, और उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। डिमांड बाय टू द लेबर आर इंक्रीजिंग इन पूरी तरीके से यहाँ पे जो प्रोडक्शंस है वो प्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, तो क्या होता जा रहा है उनके काम करने की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो गरीबी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है हमारे यहाँ पे, ओके। चलिए अब हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इनको अलग करते हैं मतलब यहाँ पे कुछ सजेशन ढूंढते हैं। तो चलिए पहला हमें बताया गया है कि यहाँ पे कि जो हमारा जो चल रहा है जो साइकिल चल रही है तो उसको किस तरीके से रोकने का काम किया जा सकता है, तो उसके ऊपर हम लोग बैठ के पूरी तरीके से उसके रीजंस वगैरह उनके मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें उनको समझ सकते कि जिसकी वजह से हम गरीबी को रोकने का काम कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारे लिए आसानी से हो सकती है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि 11th ईयर्स तो क्या पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी जिसके अंदर, तो जिसमें यहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय द गोल्डन पिल, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से फॉलो हो रही है, अर्बन एरियाज़ में भी हो रही है, द विलेज बाय टू द इंडियन इकोनॉमिकल आ सकते हो, है ना। तो हमारे यहाँ पे जो खर्चा किया जा रहा है, उसके बाद में हमारे यहाँ की जो कंडीशंस है वो कंडीशन में किस तरीके से सोशली डेवलपमेंट बाय टू डेवलपिंग बाय विलेजेस एरियाज द प्रोग्राम रखे जा रहे हैं, गवर्नमेंट बाय टू द इम्प्लीमेंशल्स आइडियाज़, तो आइडियाज़ भी इम्प्लीमेंट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो जो न्यू प्लेन्स प्रोग्राम्स वगैरह लाए जा रहे हैं तो उनमें भी इंक्रीज़ किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दी जा रही है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो सके कि यहाँ पे हम उनकी इनकम है जो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकें, है ना, तो गरीबी घटेगी, ओके। चलिए यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया, तो जिसमें हमें जो आज़ादी के बाद का जो टाइम था टाइम पीरियड था उसके साथ साथ क्या हुआ, सरकार भी भारी मतलब चाबी रूप से क्या हुआ, जो हमारा क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंशल होना चाहिए था, इंक्रीजिंग होना चाहिए था, तो उसको
आगे नहीं बढ़ाया जाता। दूसरी तरफ जो हमारा जो ग्रामीण सेक्टर है उसके अंदर क्या किया जा रहा था कि कृषि क्षेत्र पे मतलब कुछ काम वगैरह नहीं किए जा रहे थे, तो जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हो रहा था। चलिए अब आप देख सकते हो, इंक्रीजिंग बाय टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय टू द एम्प्लॉयमेंट इज पॉवर्टी इन अ रिड्यूसिंग बिलीव बाय टू द रिजल्ट इंडस्ट्रियल बेनिफिट अचीवमेंट टू द इंडस्ट्रियल विल बी इंक्रीजिंग। तो किस तरीके से इंक्रीज किया जा रहा है, द डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पुअर पीपल दोज बाय टू द, है ना, तो किस तरीके से उनको डेवलप किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया गया, उसके बाद में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ाने का काम हम करेंगे, हमें कौन कौन से प्रॉफिट। अभी तक तो हमने ये जाना था कि हाँ इस तरीके से हमें प्रॉफिट होता है। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या, सरकार ने दूसरे के लिए मतलब गरीबी जीवन में क्या किया था, चेंजेस किए थे। चेंजेस करने के बाद जो यहाँ पे असेंशियल्स बाय टू द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन किया जा रहा था अमीरों के लिए, जो चीज वस्तुएं जैसे मोस्ट शोक के लिए बनाई जा रही थी, है ना, रिलैक्स हैवी मतलब उनको लग्जरीज लाइफ वगैरह गुड्स दिए जा रहे थे, जो चीज वस्तु थे उसे ऊँचे कर दिया गया, मतलब उनकी जो इनकम थी वो बढ़ा दी गई, जिससे क्या हो सके जो नीचे लोग जी रहे हैं उनको सारी फैसिलिटी मिल सके। और यहाँ पे ध्यान रखा गया कि जीवन की चीज़ें मतलब कि जो सार्वजनिक चीज़ें वो लोगों को मिल सके, दुकानों से मिल सके, उसके बाद में उनके स्तर को ऊंचा लाने का काम किया जा रहा था, है ना। तो जो गरीबी थी उन वस्तुओं की तरफ बढ़ाने का काम हो रहा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही थी। चलिए पॉइंट नंबर थ्री में इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्या किया जा रहा था, गरीबी समाप्त करने के लिए जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पे जो लोगों की नीड्स है वो कंप्लीट की जा रही थी, उनको उनमें क्या चेंजेस किया जा रहा था। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे गांव के लोगों में मजदूर है ना, तो उनको उनके अंदर पूरा का पूरा चेंजेस काम किया जा रहा था। उसके बाद में पॉइंट नंबर फोर है जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियलाइजिंग टू द डेली इंडस्ट्रियल, है ना, तो वहाँ पे क्या चेंजेस किए जा रहे थे। तो आप देख सकते हो कि जो धंधा रोजगार है उसमें काम किया जा रहा था, उसको बढ़ाया जा रहा था, गांव के लोग हैं वहाँ पे लोगों को खाने के लिए चीज़ें दी जा रही थी, इस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था। अब देखिए पॉइंट नंबर फाइव में हमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को क्या कर रही थी, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, रेसिडेंसी प्लानिंग, कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड, ये फैसिलिटीज़, रोड, क्रॉप्स प्रोटेक्शन स्कील्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बाय टू द वेराइटीज क्रॉप्स बाय, तो फैसिलिटीज़, ट्रेक एक्सेट्रा, सारी चीज़ें वो उनको दे रही थी कि हाँ लोगों को सारी चीज़ें मिल सके, जैसे ट्रैक्टर हो गया, सुविधा हो गई, डिफरेंट वेराइटी थी जो उनके कदम उठाए जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो सके शहरों में जो पॉपुलेशन है उसका क्या हो सके, उन वो डिक्रीज़ हो सके, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वहाँ पे स्कूल स्टार्ट किए जा सके और कॉलेज शुरू किए, टेक्नोलॉजी बढ़ाई जा सके, और यहाँ पे फीस मतलब फ़ीस के लिए भी उनको मतलब माफ़ किया जा सके। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं और जो अपने ऊपर डिपेंडिंग होकर काम कर सके, तो ये सारी गरीबी को देख कर काम किए जा रहे थे। ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखकर काम हो रहा था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीज़ें की जा रही थी जो 2013, तो आप देख सकते हो कि 2013 के अंदर कि हाँ ये सारा काम हो चुका था। तो इस तरीके से काम को आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा था कि जिससे क्या हो सके कि लोगों को प्रॉफिट हो सके, उनको किसी भी तरीके का लॉस ना हो, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अब हम इसमें देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या किया गया है कि मतलब जो काम वो कर रहे हैं, गरीब रेखा के नीचे जो लोग जी रहे हैं उन पे किस तरीके से क्या हो जाता है, इफ़ेक्ट देखने को मिलता है ना, तो उनके अंदर किस तरीके से चेंजेस किए गए वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए हमको पॉइंट बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है जिसके अंदर क्या हो सके द
प्रधानमंत्री की योजना की गई थी जिसके अंदर कृषि विकास के लिए है ना, कृषि विकास की योजना की गई थी जिसके अंदर सड़कें बनाई जा सके, एग्रीकल्चर सेक्टर हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके, वहाँ पे खेती के लिए सुधार किया जा सके, योजना बनाई थी और जुड़कर रोजगार, मतलब लोगों को क्या हो सके कि एग्रीकल्चर के अंदर रोजगार प्राप्त हो सके, इस तरीके से उनको उतनी इनकम भी मिल सके। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर, मतलब सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान किया गया था जिसके अंदर उनको इंश्योरेंस मिल सके। तो राष्ट्रीय कृषि के क्या हो गई थी, वृद्धि कर दी गई थी उनकी जो दर थी इंश्योरेंस प्लान है ना, द फार्मर्स बाय टू द, मतलब वो क्लेम कर सके, उनको सपोर्ट किया जा रहा था, उनको बोनस दिया जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें की जा रही थी। उसके बाद नेशनल, देखिए यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, तो वाटर प्रोग्राम किया गया था, तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे किस तरीके से वाटर प्रोग्राम की यूज़ किया था, जिसके अंदर हमें यहाँ पे बताया गया है कि हाँ कि यहाँ पे खेतों के लिए, मिट्टी के लिए ट्यूबवेल लगाए गए थे, खुदाई की गई थी, पानी की टंकी, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि डेवलप किया जा रहा था। देखिए अब ई नेम, तो ई नेम में क्या हो गया था कि जिसके अंदर यहाँ पे किसानों को मतलब बाज़ार खड़ा हो गया था, जिसमें ऑनलाइन मतलब किया जा रहा था बिजनेस, जिसमें कि ऑनलाइन जैसे दालों का नुकसान से किसान को बचाने का काम भी किया जा रहा था, जो जिससे ऑनलाइन प्रोडक्शन हो सके और किसान को प्रॉफिट भी हो सके, इस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा था। ठीक है,